अब की साइकिल चलेगी दबा के? हाँ, 22 में साइकिल चलेगी। पेट्रोल महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया, दाल चावल जितना भी गैस सिलेंडर जो भी था। बिल्कुल बेकार घटिया प्रकार की सरकार है ये, कुछ भी नहीं है। ये सरकार जब तक ईवीएम है तब तक है, वरना है। सांड घूम रहे खेतों पे, हम घूम रहे रोडों पे, रोजगार चले गए, सब कुछ चला गया। अरे जो राम को लाएगा तो राम भी तो उसको लाएगा, राम के सबसे बड़े भक्त तो निकल गए। जय श्री राम। अखिलेश यादव की कभी नहीं आएगी, मोदी योगी जो कर दिया ना इतिहास में लिखा जाएगा मोदी योगी। अखिलेश यादव फेलिया पास 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 अखिलेश यादव पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, बात में इतनी गुंडागर्दी होती थी, अब थोड़ी सी गुंडागर्दी होती तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन होता है उसी टाइम। इस सरकार में, हाँ इस सरकार में तुरंत एक मिनट में एक्शन होता है, तुरंत एक मिनट में। मजदूरी आना कुछ है, रोजगार बंद दिया, बंद कर दिया, दिया उन्होंने, बैंक लाइन लगा दिया। जो डीओपी का कट्टा था हमारा, वो उसने 1500-2000 तक का फेंक दिया, क्या दे दिया हमारा दे दिया वो। हाँ आप कह रहे हो जैसे बीजेपी, ठीक है बीजेपी है वो, तो क्या काम नहीं करी है? यहाँ का रोड बन गया, आते हो के कच्चा दिखता था, आज देखो रोड है, रोड है आज इस यहाँ पे, जो सड़कें बन गई, सड़कें बनी, ठीक है। राम मंदिर आ गया जो, और हमें मुगलों में कश्मीर का मैटर, ये देख लो। आपको क्या मिला चलिए मुझे क्यों नहीं मिला भाई, हिंदू हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन को लेकर कितना काम हुआ आपके लिए बताइए। अब जब 5 साल में इतना हो गया तो 5 साल में और नहीं होगा? 5 साल में एक बार और सत्ता में आएगी बीजेपी तो और नहीं होगा 5 साल में कुछ? तो मोदी जी को तो 2 बार दे दिए सत्ता में। हाँ तो अब योगी जी भी आएंगे और उसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सोच लीजिए प्रधानमंत्री तक पहुँचा क्यों नहीं बनेंगे। अरे जो राम को लाएगा तो राम भी तो उसको लाएगा, राम के सबसे बड़े भक्त तो निकल गए। जय श्री राम। अपने राम जी को जो उनका घर था उन्हें वहाँ उनके घर में दे दिया, तो उसे कहते हैं भगवान को लेकर आना? भाई आज तक किसी सरकार ने ये करेंगे वो करेंगे बोल कर तो चले गए, कोई कुछ नहीं करके गया। योगी आए, मोदी आए, और काम भी हुआ, नाम भी हो रहा है, और आज बन भी रहा है काम। इसे कहते हैं हर हर मोदी। समाजवादी का झंडा हमेशा लहराएगा और अब की भी लहराएगा 2022 में। समाजवादी पार्टी का झंडा आज कल भी लहराएगा और 2022 में आने वाले टाइम पे भी लहराएगा। अच्छा सवाल मेरा ये है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के, अरे अखिलेश की सरकार में 100 लंबर बुलाई गई थी और योगी की सरकार में खेतों में सांड आए थे, किसान लोगों का नुकसान कर रहे हैं, वो देख रहा है कोई? अच्छा, कोई देख रहा है? आवारा जानवर घूम रहे हैं, कोई देख रहा है? आजकल कोई देख रहा है? जे आज किसान लोग जो मेहनत कर रहे हैं खेतों में, उनके जो खेते में जा रहे हैं सांड और साइकिल आने वाली, साइकिल आएगी 2022 वाले आने में आने वाले टाइम पे। अखिलेश आप आइए, क्या नाम है आपका? नंदलाल जी। जी क्या लग रहा है, किसकी सरकार? जी सरकार तो किसी की हा? सरकार तो अखिलेश की आनी है। क्यों आना चाहती है अखिलेश यादव? भैया सांड घूमने खेतों में और हम घूम रहे हैं रोडों पे। अच्छा क्या ये है? क्या ये तो सांड घूम रहे खेतों पे, हम घूम रहे हैं रोडों पे, रोजगार चले गए, सब कुछ चला गया, समाजवादी पार्टी चलेगी। हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं रोजगार, तो क्या फायदा? अब की साइकिल चलेगी दबा के? हाँ 22 में साइकिल चलेगी, दबा के साइकिल चलेगी। इन्हें लोगों क्या पता है, वो चाहते हैं कि साइकिल चले। आप क्यों? गांव में देखो जाके, क्या देखो गांव में देखो जाके, सांड खेतन घूम रहे हैं। अब घर लेटे आदमी, अब कहना घर में चोरी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, तब गाय छोड़ने वाले, आवारा पशु छोड़ने वाले जब आप ही लोग हैं तो उसको सरकार कहाँ ले जाएगी? सवाल ये, पहले जो पहले छुट्टी में जाती बेगुमारी हमारी लोगों की, जो पहले छुट्टी हुई है। अच्छा पहले छुट्टी में बेगुमारी है, सारी बंद हो गई, साइकिल आएगी 2000। क्यों चाहते हैं आप, क्यों चाहते हैं कि साइकिल? हम इसे दुखी है, मोदी सरकार से परेशान है, ना मजदूरी है ना क्या है, ना मजदूरी है ना कुछ है, जैसा रोजगार बंद दिया थे बंद कर दिया उन्होंने, बैंक लाइन लगा दिया, लाइन लगा दिया उन्होंने, सब परेशान है मोदी सरकार से। राशन दे रही है क्या? वो राशन दे रही है, उस सरकार राशन हमारा दे रही है, वो राशन हमारा दे रही है। डीएपी कुछ नहीं हुआ, मिले या ना मिले,
जो डीएपी का कट्टा था हमारा, वो उसने 1500-2000 तक का फेंक दिया। क्या जरिया? हमारा जरिया वो, हमारा जरिया ना, हमको मिलता था 900-950 रुपये का कट्टा मिलता था। आज हमको वो यूरिया का कट्टा 500 रुपये, 650 रुपये का कट्टा मिल रहा है किसान को। ऐसे में कौन बताओ, 2400 रुपये कीमत है डीएपी की। तो क्या है भाई, 2400 रुपये कीमत है भाई डीएपी की। योगी सरकार में 1200 रुपये दे रही है योगी सरकार। बिल्कुल, 1 मिनट प्लीज वेट। ये भैया कह रहे हैं कि अच्छा, एक मिनट अजी, हाँ जी भैया, आप आए हैं बाइक चला रहे हैं, महंगाई वहंगाई क्या चल रहा है? बिल्कुल परेशान है महंगाई से, बिल्कुल परेशान है, परेशान है, बिल्कुल परेशान है। पेट्रोल महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया, दाल चावल जितना भी गैस सिलेंडर जो भी था सब महंगा हो गया भाई। हाँ सब महंगा हो गया, सबसे परेशान है। तो फिर क्या चल रहा है, साइकिल दौड़ने वाली है? बिल्कुल साइकिल दौड़ने वाली है। आराम से, ऐसा तो ये लोग भी फिर कहेंगे कि जो है वो है। मैं बात करिए, मेरा कहना ये है कि योगी सरकार के काम काज आपने देख लिया, कुछ काम काज याद है अच्छे आप लोगों को? हमें नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद ना, कुछ भी याद नहीं। योगी जी के नाम पे वोट मिलेगा या मोदी जी के नाम पे ज्यादा वोट? दोनों के भाई, दोनों के नाम पे, दोनों के नाम पे, किसी के नाम पे नहीं, दोनों के नाम पे, मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद। हाँ जी चलिए, अरे और भी लोग हैं, बातचीत करें थोड़ा जरा जी। हाँ अरे हो गया, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया सबको। हाँ जी, हाँ जी हो गया। हाँ जी, आपका क्या नाम, आपका क्या नाम भाई? परवेंद्र। क्या लगी आप युवा है, सरकार कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बेकार, घटिया प्रकार की सरकार है ये, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सरकार जब तक ईवीएम है तब तक है, वरना है ही नहीं। आप ऐसा मानते हैं? जी हाँ। तो और राज्यों में तो भी सरकार है ना, दूसरे की बीजेपी के अलावा सरकार है, तब आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? कहने मतलब ये है, हर जगह धांधलेबाजी होती है, जहाँ भी ईवीएम से सरकार वोटिंग हो रही है वहाँ धांधलेबाजी हो रही है, तभी सरकार बन रही है, वरना सरकार है ही नहीं है। अच्छा हाँ, कहीं भी नहीं। सरकार का आपने 5 साल देख लिए? देख लिए हाँ। तो कैसी रही सरकार? बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है ना, कुछ भी नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ किसी प्रकार का यहाँ पे। तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी, बेरोजगारी तो बढ़ गई है, सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी कितनी मात्रा में बढ़ गई है भाई, बेरोजगारी बढ़ गई। जी हाँ। अच्छा गुंडागर्दी खत्म हुई ये नहीं है बता दिया? गुंडागर्दी भी किसी प्रकार कुछ भी खत्म नहीं हुआ भाई, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ भाई। युवाओं के लिए शिक्षा में जो है कुछ उन्नति मिली कि नहीं? बिल्कुल नहीं, जीरो बैलेंस बिल्कुल। अरे जब कुछ कह रहे थे कान में, कुछ कह रहे हैं? नहीं हमने नहीं कही भाई, आपने नहीं कही यार, फुसफुसा रहे हैं। जब भैया अबकी तो ठंड में ऐसे ही ठहर गए, और पहले जब साइकिल चलती थी तो साइकिल खेतों में चलाने से गर्मी तब आ जाती थी शरीर में, अखिलेश के राज्य में अखिलेश की साइकिल ही चलेगी, साइकिल 2022 में आने वाले टाइम पे साइकिल चलेगी, कि पिंचन नहीं होगी, दौड़ेगी अखिलेश यादव। मेरी बात सुनो, पहले जब अखिलेश की सरकार थी। अच्छा क्या कह रहे हैं? पहले की बात में इतनी गुंडागर्दी होती थी, अब थोड़ी सी भी गुंडागर्दी होती तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन होता है उसी टाइम। इस सरकार में? हाँ इस सरकार में तुरंत 1 मिनट में एक्शन होता है, तुरंत 1 मिनट में। आपके लिए सरकार ने कितना काम किया, क्या करते हैं आप पहले बताइए? मैं भी 11th क्लास में पढ़ता हूँ। 11th क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश में? दिल्ली जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर आप लोगों के लिए सरकार ने कितना काम किया शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर अगर क्लास चलाई और लोगों को वजीफा बांटा गया, जो भी हुआ सारा किया काम अपना, राशन फ्री में बांट रहे हैं, पूरा जाके देख लो तुम, किसी ने बांटा? भ्रष्टाचार पूरी तरह से बंद कर दिया इस सरकार, योगी जी की सरकार आई। हाँ योगी जी की सरकार आई, तुरंत आएगी। अखिलेश यादव की कभी नहीं आएगी, मोदी योगी जो कर दिया ना इतिहास में लिखा जाएगा मोदी योगी, और जो भी करना है ना जिसको करना है कर ले। मेरा नाम शिवम ठाकुर। अरे कोई कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। योगी मोदी राम मंदिर, चलिए अखिलेश यादव फेलियर पास, पास पास, अखिलेश यादव पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, लो लो नहीं हो सकते ना भाई, दिल की बातें निकल गई। मैंने बताया कि अखिलेश यादव पास नहीं हो सकते कभी भी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा योगी आएगी, योगी 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 योगी, भगवाई छाएगा, सिर्फ भगवा छाएगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल कमल, चलिए हम कमल खिलेगा, कमल कमल, योगी आएगा, योगी योगी आएगा भाई, आप बताओ क्या आएगा? योगी आएगा, बस योगी हो गया।